problem on flat belt drive. Find the flat belt dimension and life in R for the following specification. Power दिया, N1 दिया, N2 दिया और C दिया अपने को. ये अपने को ये type कौन सा अपना life is not given. Life is not given. इसमें step first step तो ये रहेगा design power bracket में P. Formula क्या इसका? P into FA. FA अपना PSD 7.53 मिलेगा 1.3. इसका अपना P निकल गया. Reduction ratio I is equal to N1 upon N2. Reduction ratio निकल गया I 2. Step 2, selection of pulley diameter small d from PSD 7.53 upon V. Selection of pulley diameter D and ED निकालने हैं. अपने 7.53 पे अपना formula है, अपना V की condition दिया दें. V अपना दिया 17.5 से लेकर 22.5 से कोई भी value ले सकते हैं बीच में अपन. तो अपन V लिए 20 meter per second. V क्या होता है? Pi D N1 upon 60. इससे अपना D निकल जाएगा. Taking standard value of D from PSD 7.54. इससे अपना D निकल गया. Driving pulley diameter capital D. Capital D का formula क्या होता है? D1 into N1 upon N2 into efficiency. अगर efficiency नहीं दिया 0.98 लेने का सब value अपने पास है. Capital D निकल गया. फिर taking standard value of capital D from PSD 7.54. Capital D निकल गया अपना 560. Recalculate I. Capital D is equal to D1 into I into efficiency. इसे अपना I निकला ऑफिस से. Step 3, calculation of belt length. अगर नहीं दिया है कौन सा बेल्ट है तो अपन एज्यूम करेंगे ओपन बेल्ट ड्राइव. इसका फॉर्मूला है पीएसडी 7.53 पे. इसमें अपने पास सब है. सी वी सी क्वेश्चन में दिया होता 3 मीटर तो 3000 mm हो गया. इसे अपना डायरेक्ट एल निकल गया mm में, उसको मीटर में कर देंगे. स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ बेल्ट टेंशन है टी1 एंड टी2 निकालने का. इसके लिए हम पहले आर को कॉन्टेक्ट थीटा निकालेंगे. ये फॉर्मूला अपने पीएसडी 7.54 पे 180 माइनस डी अपॉन सी इंटू 60 डिग्री. थीटा निकला डिग्री में, इसको रेडियन में कर देंगे. आर ऑफ कॉन्टेक्ट फैक्टर, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट फैक्टर क्या होता है? एफ सी. एफ सी ये फ्रॉम पीएसडी 7.54. ये पीएसडी 7.54 पे आने का. यहाँ पे क्या बोला अपने को? ऑफ कॉन्टेक्ट फैक्टर ना पीएसडी 7.54 पे आए. अपना टीटा दिया अपने को 174.4 दे 174.4. तो ये अपना किधर आ रहा है? 170 है. अपना टीटा अपना 175 है. 170 पे अपना कितना दिया अपने को? ये एफ सी थे 1.04. तो अपना 175 है तो अपने एफ सी ले लेंगे 1.02. तो अपने एफ सी 1.02 लिए. टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू ई म्यू टीटा. म्यू अगर नहीं दिया तो 0.25 लेने का. टीटा अपन निकाल चुके हैं, इससे अपना टी वन निकला इन टर्म्स ऑफ टी टू. फिर ब्रैकेट पी इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू इन टू वी. इससे अपना टी टू निकल जाएगा. टी टू पुट करो टी वन वाली इक्वेशन में तो अपना टी वन निकल गया. अभी स्टेप 5, इसमें लाइफ इज नॉट गिवन. इसमें अपने लाइफ गिवन था तो उसमें अपने ये एफ सी निकाल, यहाँ पे जो एफ सी था उसमें उसमें निकाला, जरूरत नहीं पड़ी थी. इसमें लाइफ इज नॉट गिवन समय ये. तो इसका मतलब, इसका मतलब सेम ही स्टेप है, बस ये पहला स्टेप अलग है थोड़ा. कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्लाइस बेस्ड ऑन किलो वाट रेटिंग मेथड. पी एस 7.54 पे आने का. ये अपने दिया हुआ है, दो कंडीशन दी है उसके अंदर, हाई स्पीड और ये. तो हमेशा ये कलेक्ट करने का. हाई स्पीड 878G डग बेल्टिंग कितना दिया है? 0.023 किलोवाट. काई के लिए दिया है? 10 मीटर पर सेकंड के लिए 0.023 किलोवाट. लिखे अपने सेलेक्टिंग डुमलॉक हाई स्पीड बेल्ट रोटेटिंग एट 10 मीटर पर सेकंड के लिए 0.023 किलोवाट दिया अपने को. अपना डबल चाहिए, अपना वी कितना है? 20 है. मतलब इसका डबल करेंगे अपन, 0.023 प्लस 0.023 कर दें तो अपना आ जाएगा ये 0.046 किलोवाट. mm ऑफ प्लाइस, इसका फॉर्मूला है करेक्टेड लोड अपॉन लोड रेटिंग. mm ऑफ प्लाइस क्या होता है? NP इंटू बी. करेक्टेड लोड क्या होता है? पी इंटू एफ ए इंटू एफ सी अपॉन 0.046 लोड रेटिंग. NP और बी नहीं मालूम अपने को, ये सब अपने मालूम है. एफ ए एफ सी निकाल दिया अपने 0.046. अपना NP इंटू बी बन गया, अपना इक्वेशन बन गई है. अपन टेबल बनाएंगे वाला NP बी बाय इक्वेशन 1 बी स्टैंडर्ड और NP इंटू बी स्टैंडर्ड. अपन आने का ऑफिस से 7.52 पे लेने का 3, 4, 5, 6 कितना ले सकते अपन? अपना NP ले लिया अपन 3, 4, 5, 6. अभी N पर अपन सब पुट करेंगे, अपना B निकल जाएगा. अभी B स्टैंडर्ड थर्ड में अपना 240.22. थर्ड में 240 तो है ही नहीं इसके अंदर, इसलिए अपने यहाँ पहले अपना डैश आ गया, ये भी डैश आ गया.
फोर्थ में 180.16 है, नहीं है, तो उससे बड़ा कौन सा है, 200, तो हमने लिए 200। फोर्थ फिफ्थ में 144.13, फिफ्थ में 144.13 नहीं, तो उससे बड़ा क्या, 152, तो हमने लिए 152। सिक्स में 120.11, सिक्स में लिखेंगे 120.11, नहीं उससे बड़ा 125, तो हमने लिए 125 लिए। अभी करें अपन ने एन पी इंटू बी स्टैंड करें, तो ये मिल गया अपना सबसे छोटा कौन सा इसके अंदर, फिफ्थ है 760। अपन सिक्स पे जाने का नहीं है, सिक्स मैंने कर लिया, और सिक्स पे जाने का नहीं, 3, 4, 5 तक जाने का, छोटा कौन सा अपना 760। अगर सिक्स अपन करें, सिक्स भी ले सकते हैं, अपन लेना तो ले सकते हैं, सिक्स लिए तो हम सब छोटा, अपना छोटा कौन सा हो जाएगा 750 हो जाएगा, तो अपना नंबर ऑफ प्लाइस 6 आ जाएगा इधर, और इधर नंबर ऑफ बेल्ट उसका लेने का 6 का, लेंथ ऑफ बेल्ट 6 का लेने का। अगर तुम अगर 3, 4, 5 तुमने यूज किया है तो 5 का आएगा, 5 अपना छोटा छोटा है ना। स्टेप 6, लाइफ ऑफ बेल्ट, लाइफ ऑफ बेल्ट अपना जो लाइफ इज गिवन था, तो अपना पहला स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप ये था, थर्ड स्टेप ये था, फोर्थ स्टेप ये था, लाइफ इज बेल्ट इज नॉट गिवन, तो उल्टा जाने का। पहला स्टेप अपना ये रहेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस इन बेल्ट सिग्मा मैक्स, सिग्मा टी प्लस सिग्मा बी प्लस सिग्मा सी, सिग्मा टी का फॉर्मूला ये है, सिग्मा बी का ये, सिग्मा सी का ये, ई नहीं दिया तो 100 लेने का, रो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, इसे हम सिग्मा मैक्स निकला, सिग्मा अपॉन सिग्मा मैक्स रेस टू एम इज इक्वल टू एल सी अपॉन 10^7। सिग्मा अभी अपना क्या है, ये वी बेल्ट है, वी बेल्ट में अपना फ्लैट बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट में अपना क्या सिग्मा का होता है 9, एम होता है 6 फॉर फ्लैट बेल्ट, इसे हमने एल सी निकल गया। लाइफ इन आर, एल सी इज इक्वल टू फॉर्मूला है, इसमें अपने पास, इसे अपना क्या निकलेगा, एल आर निकलेगा, बाकी अपने पास है। लाइफ इन ईयर, एल ईयर का फॉर्मूला क्या होता है, एल आर का फॉर्मूला क्या होता है, एल ईयर इंटू 300 इंटू 16, एल ईयर इंटू एल ऑफ वर्किंग डे इंटू एल ऑफ वर्किंग आर, एल ऑफ वर्किंग नहीं दिया आपने 300 रिज्यूम करने का, वर्किंग डे नहीं दिया आपने 16 रिज्यूम करने का, सब वैल्यू पुट कर अपना एल ऑफ ईयर निकल जाएगा।